क्वेश्चन है, फोर पॉइंट मासेज इज ऑफ वैल्यू एम आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड वन. द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी डी. इसने कहा है कि फोर पॉइंट मासेज है, ईच ऑफ वैल्यू एम है, आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर. सभी क्या है, स्क्वायर के कॉर्नर ए बी सी डी पे है, साइड है एक. द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए. एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कि एक एक्सिस है जो ए से पास कर रही है और वो पैरेलल किसके है, बी डी के. पैरेलल है बी डी के, तो हमारे पास ये स्क्वायर हो जाएगा ए बी सी डी. एम मासेस है सारे, ये यहाँ पे पुट है कॉर्नर पे, जो साइड दे रखी है वो वन दे रखी है. एक एक्सिस है जो पास कर रही है किससे, ए से, और ये क्या है ए डी को जब मिला दे बी डी को, और ये क्या है पैरेलल है किसके, बी डी बी के. पैरेलल किसके है, डी बी के. तो ये वाली जो डिस्टेंस हुई ये क्या हो जाएगी हमारे पास एल बाई टू, ये भी क्या हो जाएगी एल बाई टू. ओके, तो इस केस में ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी रूट एल बाय रूट एल, और ये अगर ये इस पॉइंट को ओ मान ले तो डी ओ कितनी हो जाएगी एल बाय में रूट टू. डी ओ कितनी हो जाएगी एल बाय में रूट टू. ये क्या होगी हमारे पास, ये भी एल बाय में रूट टू हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी एल बाय में रूट टू, क्योंकि ये क्या है एल बाय रूट टू. यहाँ से यहाँ तक देखें एल बाय रूट टू पूरी कितनी है हमारे पास, पूरी है टू एल रूट टू एल. यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी रूट एल, एल बाय में रूट टू. ओके, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जो कि ए पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल किसके हो, डी पी के. ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या लग जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगी. तो एम आर स्क्वायर, किसी एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर हो गया, एम आर स्क्वायर. तो एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री का स्क्वायर. एम वन कितना है एम इंटू में, आर वन हमारे पास क्या हो जाएगा एल बाय टू आ जाएगा, यानी कि एल बाय रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर बाय में क्या आ जाएगा टू, एल स्क्वायर बाय में टू प्लस एम एम टू, एम ही है और डिस्टेंस कितनी है हमारे पास रूट टू एल, तो ये क्या आ जाएगी टू एल का स्क्वायर प्लस एम इंटू में एल बाय में एल स्क्वायर बाय में टू. तो यहाँ से इस ये डिस्टेंस ही तीनों मासेज का इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था. तो क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय में टू प्लस टू एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय में टू. एलसीएम आ जाएगा टू एम एल स्क्वायर प्लस फोर एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, तो सिक्स एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा टू, यानी कि थ्री एम एल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस इज द क्वेश्चन.